तेरी रहमत का नहीं कोई शुमार, तेरा जब तक पुकार सकते नहीं चांद तारे मुस्कुराते नहीं, साथ लेकर मेरी खुशियों का जहां एक नन्हा सा मुसाफिर है रवान, तू ही इसको रोशनी दिखलाएगा, तू ही मंजिल तक इसे पहुंचाएगा। दी का शुक्र नवासी मुबारक हो, इनाम लेने कल कोठी पर आऊंगी, तैयार रखिए। नवासे की खबर सुनाती तो इनाम भी मिलता। मैं इनाम दूंगा तुम्हें, मुंह मांगा। नवाज साहब, नवासी मुबारक हो। आपको भी पोती मुबारक हो। पोती मुबारक हो, कैसी है? बहुत ही खूबसूरत, चीनी की गुड़िया है मेरी पोती, मेरे अमजद की बच्ची। खुदाया तेरा शुक्र है तूने ये खुशी का दिन दिखाया। रहमत जी, बेगम साहिबा, नजर न्याज का इंतजाम करो, खैरात में बरकत है। जो इरशाद। ये बातें कोई क्या समझे, ये बातें कोई क्या जाने, निगाहे यार ही समझे, निगाहे यार की बातें, निगाहे यार ही समझे, निगाहे यार की बातें, निगाहे यार की बातें। गली में दूर से पूछी तेरे दरबार की बातें, कहा उसने कहूँ मैं किस तरह दिलदार की बातें, कहा उसने कहूँ मैं किस
गुजरते हैं दिल वाले जमाना, कुछ कहीं दम हुस्न का भरते हैं दिल वाले। जो उनका दिल कहे उनसे वही करते हैं दिल वाले। जो उनका दिल कहे उनसे वही करते हैं दिल वाले, वही करते हैं दिल वाले, वही करते हैं दिल वाले। कहाँ करती है पर के ही में परदादार की बातें, कहाँ करती है पर के ही में परदादार की बातें। कसम अल्लाह की शायद आजमाना है मुहम्मद का, कसम अल्लाह की शायद आजमाना है मुहम्मद का, कसम अल्लाह की शायद आजमाना है मुहम्मद का। दिलों में सारी दुनिया के ठिकाना है मुहम्मद का, जहाँ मिलती है बख्शिश वो घराना है मुहम्मद का। जहाँ मिलती है बख्शिश वो घराना है मुहम्मद का, घराना है मुहम्मद का, घराना है मुहम्मद का। गुनाहगारों के लपर की है सरकार की बातें, मुद्दतों के बाद आज दिल की बात कही है। मजा आ जाता अगर शहर की सारी तवायफें जमा हो जाती, कम अज कम इसी बहाने तुम्हारे अजीजों से तो मुलाकात हो जाती। देखिए ये लोग झोंक मुझे पसंद नहीं। बस खबर का मौका आ रहा है, तुम्हारे हसबे मंशा हम जरूर ऐसी महफिल मुनाकिद करेंगे। रहने दीजिए, आपको लग प्यारी क्यों होने लगी? वाह, पलक भी मुझे प्यारी है। प्यारी तो नसीमा थी जिसकी शादी भी कर दी और आज बच्चे की माँ भी हो गई। फिक्र न करो बेगम, खुदा ने चाहा तो पलक के लिए भी ऐसे ही खुशी के दिन आएंगे। जरा ये एमए तो कर ले। नसीमा ने तो मैट्रिक भी नहीं किया था। बेगम फिजूल की बहस न छेड़ो, नसीमा और पलक दोनों मेरी आंखें हैं। हाँ सुनो तो, अरशद मियां की बीवी तो मर चुकी है, लाजमी वो शादी करेंगे। क्यों ना नसीमा के कानों में ये बात डाल दें, खुदा करे तलत का रिश्ता अरशद से हो जाए तो दोनों बहनें एक ही घर में रहें। अरशद मियां खुदा जाने खुद को क्या समझे बैठे हैं। जब आपने तलत का रिश्ता अमजद मियां से तय करना चाहा था तो अरशद मियां ही आड़े आए थे, तलत की बजाय नसीमा को कबूल किया था। मगर अब तो हालात बदल चुके हैं, अव्वल तो तलत ने आला तालीम हासिल कर ली है, दूसरे अरशद मियां की बीवी मर चुकी है। बात करके देखिए। लीजिए अब्बा जान। बेटा कल की दवा है? कल सुबह मैं दूल्हा भाई से हाल कहकर दवा ले आऊंगी। लीजिए अपने चांद को, नजर न लग जाए कहीं। मेरी चांद,
ग्राम से निकल कर आया है तू। कितना खूबसूरत, मैं नहीं देखूंगी तुझे, नजर में लग जाए मेरी। नसीमा कैसी तबीयत है अब? बहुत देर के बाद याद किया है अपनी नसीमा को। इस वक्त बड़ी मुश्किल से आ सका हूँ, अम्मी और भाईजान की नजरों से बचता बचाता पिछले दरवाजे से आ रहा हूँ। और अगर अम्मी यहाँ आ गई तो? तौबा, कहेंगे किस कदर गुस्ताख है अमजद, बड़ी शर्म आएगी। सच, मुझे खुद बड़ी शर्म आ रही है, अम्मी जान से अभी तक आंखें नहीं मिला सकी हूँ, और भाईजान उनके सामने तो मुद्दत तो नहीं जा सकूंगी। सिर्फ एक नजर? जी नहीं। अच्छा सिर्फ एक झलक? तो फिर लाइए मुंह दिखाए। क्या लोगी? कोई अनमोल चीज। इस वक्त तो 2000 रुपए लाया हूँ। रहने दीजिए। अच्छा 3000? 5 पर मानोगी? जी नहीं, 10000 भी नहीं, 1 लाख भी नहीं। तो फिर ये सौदा नहीं बनता? बन सकता है। कैसे? सिर्फ वादा मोहब्बत। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक है नसीमा? नहीं तो अंदेशा है। नसीमा आज पहली बार तुम्हारी जबान से ऐसी बात सुन रहा हूँ। मेरे अच्छे अमजद, सुनते चले आए हैं कि औलाद हो जाने के बाद बीवी शोहर को प्यारी नहीं रहती। पगली औलाद तो मियाँ बीवी की मोहब्बत पर मुहर है। खुदा करे ऐसा ही हो, आप सच कहते हैं ना? खुदा गवाह। तो संभालिए अपनी अमानत। माशाल्लाह काफी बदशकल है। बापर जो गई है माशाल्लाह। नहीं नसीमा वैसे काफी खूबसूरत है। आंखें बंद कर लीजिए, मुझे डर लग जाए। आदाब अम्मी जान। तौबा, बड़ी शरीर हो। अच्छा जी कर लीजिए जी भरकर प्यार, कोई नहीं देखता आपको। फिर तो कोई शरारत नहीं करोगी? अरे नसीमा लंगी मुंडी सो रही है कि जाग रही है? मेरे गुलाब के फूल, चल तुझे तेरे ताया अब्बा के पास ले चलूं। किस कदर बेताब है तुझे देखने के लिए। ठहरी मियां, क्या बात है जी? सो रही है। बहुत अच्छी बात है, तंदुरुस्त बच्चे सोया ही करते हैं जी। अरे नसीमा घबरा क्यों रही है? जी कुछ नहीं, इसके पेट में दर्द है। अरे लड़की तेरी अकल तो नहीं मारी गई? दबा क्यों रही है उसे? मुझे देखने दे, उसका पेट सख्त तो नहीं? जी नहीं। बड़ी बेगम यहाँ आइए, अर्शद ने बुला रहे। ओह खुदाया किस मुश्किल में जान फंस गई थी, संभालो इसे। अरे क्यों बुलाया अर्शद ने मुझे? क्यों उन्होंने नहीं बुलाया? अरे तो मुझे क्यों बुला लाई? बच्ची के पेट में दर्द है, जरा देख तो लेने दिया होता। अरे नसीमा और देख बच्ची को कुछ उठा के रखना। अम्मी हाँ दवाखाना इसी को कहते हैं कि? मेरा नाम फजलदीन है जी। शुक्रिया। और हाँ जी आपका नाम? बशीर अहमद। लीजिए। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा लाइन से आइए जरा। क्या मतलब? अरे पीछे देखिए। हाँ जी क्या है जी हमारे पीछे? जैसे ये लोग लाइन में खड़े हैं आप भी लाइन में खड़े हो जाइए जनाब। ओ बहुत अच्छा। हाँ जी आपका नाम? करीमुल्ला। फरमाइए अब आपका क्या हाल है? भूख बहुत लगती है डॉक्टर साहब। इसी का तो इलाज कराने आए थे आप। माशाल्लाह अगले महीने घर वाले फाके मर जाएंगे इंशाल्लाह।
तो फिर ऐसी दवा लिख दो जिससे भूख मर जाए। जी नहीं, कोई ऐसा नुस्खा लिख दीजिए जिसमें इस गरीब की तरक्की हो जाए, वरना ये गरीब मर जाएगा। कितनी तनख्वाह बढ़ जाए तो काम चलेगा? कोई 20-25 रुपए। अच्छा तो आज की फीस निकालिए, ये लीजिए, ये लीजिए 20 रुपए आपकी तनख्वाह में बढ़ गए। खुदा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। तशरीफ लाइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए अपना। नाम? कुछ याद नहीं। नाम याद नहीं? आप इलाज कराने आए हैं या मजाक करने? नाम याद रहता तो इलाज ही क्यों कराने आता भाई? अजीब आदमी है आप भी। अलग हटकर नाम याद कर लीजिए, दूसरों का वक्त क्यों खराब कर रहे हैं? अरे ठहरो भाई, याद कर लेने दो। नाम? क्या नाम हो सकता है हमारा? अजीब आदमी थे हमारे माँ बाप भी, न जाने क्या नाम रख दिया है हमारा, और न जाने कहाँ उठा के रख दिया, मिलता ही नहीं। अजी हजरत रुखसत हो जाइए और अपना नाम याद करके आइए। जी बस मिल गया, मिल गया। रुखसत, रुखसत अली वल्द 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 शरबत अली? अजी नहीं, रुखसत अली वल्द फुरकत अली। बनाइए जल्दी से टिकट। पता बताइए। पता? पता कोई ठोर ठिकाना भी है जनाब का? है तो जरूर, मगर भूला हुआ हूँ भाई, भूला हुआ हूँ। बहुत अच्छा, लीजिए। बस हो गया हमारा इलाज? जी अभी नहीं, डॉक्टर साहब का दिमाग और खा लीजिए, हो जाएगा। वो देखिए सामने दरवाजा है, अंदर तशरीफ लाइए। शुक्रिया। इंजेक्शन उनको लगा दो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए जी। वो इलाज कराने आया हूँ। क्या तकलीफ है? तकलीफ तो कोई खास नहीं। फिर क्या शिकायत है? कुछ है जरूर, लेकिन इस वक्त याद नहीं आ रहा। लीजिए, जब याद आ जाए तो तशरीफ ले आइएगा, इलाज हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब तक कोई परहेजी शुरू कर दिया जाए जी, यही गुड़ तेल खटाई जैसी आपकी मर्जी। अगर कहीं से गन्ना मिल जाए तो चूस लेने में कोई हर्ज भी नहीं। जी कोई खास हर्ज तो नहीं। खाने के लिए शलगम, गोभी, साग, तंबाकू, इसी किस्म की चीजें मेरे ख्याल में खा लेनी चाहिए। जो मर्जी आए खाइए, लेकिन मेहरबानी करके डॉक्टर के भेजे से परहेज रखिए, इसे ना खा जाइएगा। जी बहुत अच्छा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदाब बुरा भाई। आदाब, खैर तो है? मैं अब्बा जान की दवा लेने आई हूँ। मैं खुद ही पहुँचा देता, तुमने क्यों तकलीफ की? मैं आ गई तो कोई हर्ज है? ना आती तब भी कोई हर्ज नहीं था। खैर चलो, नवाब साहब को इंजेक्शन भी देना है। थैंक यू। Thank you.
बड़ी अच्छी बेटी। अच्छा बेटी को क्या चाहिए? अच्छा बहुत अच्छा, आप बताइए क्या क्या जाओ, आपको सब कुछ मिलता है, क्यों रो रहा है? देखिए चलो ये लीजिए आप, अरे ये लो, अरे चलो चलो ये लीजिए, चलो भाग जाइए भाग जाइए, चलिए बेटे आप जेल, शाबाश चलिए शाबाश, हाँ बड़ी अच्छी बेटी। अरशद मियां को कितनी दिलचस्पी है बच्चों से, देखिए ना सैकड़ों रुपए खिलौनों में बर्बाद कर देते हैं। ना दीदा था बेचारा, अब खुदा ने भतीजी दी है, पागल हो रहा है उसके पीछे। अब तो अरशद मियां को शादी कर लेनी चाहिए, कब तक बहू बेगम का शोक मनाते रहेंगे? खुदा करे वो दिन आ जाए कि मेरी दोनों आंखें रोशन हो जाए। आमीन। खुदाया तेरा शुक्र है, इस बच्ची को जिंदगी दे। नशाबा काश आज तुम होती, तुम्हें भी तो बच्चों से बड़ा प्यार था, गैरों के बच्चे हमेशा खिलाया करती थी, कहा करती थी जब इस घर में उजाला होगा तो मैं अपने चांद के लिए मीठी मीठी लोरियां गाया करूंगी। ये चांद और सितारे लोरी सुनने के लिए बेताब है।
अदालत करता हूँ, गर कबूल अफ्तर रहे तो शरफ। कबूल किया। शुक्रिया शुक्रिया किमली। बेबी सो गई? बड़ी मुश्किल से सुलाया है, सुबह से अब्बा अब्बा पुकार रही थी। कौन, आप या बेबी? जी नहीं, आपकी बेबी। ये अब्बा अब्बा ठीक नहीं, डैडी कहलवाओ। मुंह बनवा कर आइए अपना। क्या ये वही आंखें हैं नसीमा जो अब से कुछ दिन पहले थी? फिर बदली हुई है। क्योंकि पहले इनमें शोखियां छलकती थी, मस्तियां उबलती थी, शरारतें नाचती थी, और अब मुस्तबा पर कुर्बान हो गई। सच देख लीजिए, अब है नहीं कुछ बाकी। हाँ, कौन है वो भला बताइए तो, जिसके लिए तुम्हारी इन मासूम आंखों में ममता के चश्मे उबल रहे हैं, शफकत मादरी किस जोश के साथ नए मेहमान की नाज बरदारी में लगी हुई है। सच है ना? सच है। इस बच्चे की आमद ने घर की चहल पहल में चार चांद लगा दिए। अम्मी जान एक तरफ खुश हैं और भाई जान दूसरी तरफ फूले रही समारे से। और आप हैं कि हमारे लिए रुखसत अली बनी हुई है। क्या मतलब? मतलब ये कि नया है पुराने को दूर करो जी। सिर्फ दो चार दिन आपकी खिदमत का मौका नहीं मिला तो लगे ताने देने। हजार दफा तुम्हें मना किया कि तुम्हारी जूते वूते खोलने की आदत मुझे पसंद नहीं, मगर तुम होके बाजी नहीं आती। शहर के कदमों में जन्नत है, आप क्या जाने। ऐसा ही कोई आसान नुस्खा जन्नत में जाने का हमें भी बता दीजिए। क्यों नहीं, जो शौहर बीवी को खुश रखेगा, उसकी मर्जी पर चलेगा, सीधा जन्नत में जाएगा। नसीमा, जानती हो जन्नत में हूरें भी होती हैं। तौबा कीजिए, आपको वहाँ तन्हा कौन जाने देगा, मैं भी साथ रहूंगी। और अगर मैं पहले पहुँच गया तो? बस कीजिए, कोई और बात कीजिए। हाँ, बेबी का नाम क्या रखें? भाईजान खुद ही तजवीज करेंगे, इस बच्ची की ज्यादा खुशी तो उन्हीं को है। खुदा करे वो इस खुशी में अपना दर्द भूल जाए और शादी कर ले। आमीन। अगर आप इजाजत दें तो मैं तलब के लिए अब्बा जान से बात करूं। खफा तो ना हो जाओगे? आप यही कहेंगे ना कि तलब की माँ तवाइफ है। और ये है भी सच, लेकिन इसमें गरीब तलब का क्या कसूर है? मैं तो खुद इस ख्याल का हामी नहीं कि माँ बाप की सजा औलाद को मिले, पर भाईजान कबूल नहीं करेंगे। फिर तो तलब की जिंदगी बड़ी दर्दनाक होगी। खुदा खैर करे। रात क्यों रो रही थी अजीजा? अजीजा बड़ा प्यारा नाम है। अरशद ने यही नाम रखा है। भाईजान आज सुबह से नजर नहीं आए। सैर को गए हो? जी नहीं, वो आज कमरे ही से नहीं निकले। कितना खूबसूरत तोहफा है, इंसान के लिए कुदरत का बेहतरीन नतीजा। खुदा इसे जिंदगी दे। जाने वाला फिर कभी लौट कर नहीं आया बेटा। नौशाबा का ख्याल दिल से निकाल दे, तेरा घर आबाद कर दो, इसी तरह तेरी औलाद का भी मुंह देख लूं। देख सदमों से बूढ़ा हो चला है तू। माँ के होते इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता अम्मी। और औलाद के होते ही माँ बूढ़ी हो जाती है, कहा मान ले। तलक पढ़ी लिखी है और फिर घर की बच्ची है, नसीमा भी इस रिश्ते से खुश होगी। तलक से रिश्ता तो कुजा, मैं तो उसका यहाँ आना जाना भी पसंद नहीं करता।
मुझे अमजद और नसीमा की खुशगवार जिंदगी प्यारी। डर है तलत अगर इसी तरह आती जाती रही तो इस घर में को नया गुलना खिला दू। अमजद और नसीमा में खुदा के फजल से इतनी मोहब्बत है कि तलत जैसी हजार भी उन्हें बदगुमान नहीं कर सकती। तू अपनी कह, अगर तलत तुझे पसंद नहीं तो और भी कई जगह से रिश्ते आए हुए हैं। शादी और बर्बादी मेरे लिए तो दोनों हो चुकी, अब तो जिंदगी अजीजा के सहारे गुजर जाएगी। इसी अजीजा के सहारे जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। बहुत काम होंगे अजीजा के, बेशुमार, सुबह से शाम और शाम से सुबह कर दूंगा। अपने साथी से बाजार ले जाया करूंगा, खिलौने दिलाकर लाया करूंगा, हर रोज नए, बिल्कुल अनोखे, कभी झुंझुना, कभी गुड़िया, कभी मोटर, कभी रेल, अच्छी से अच्छी गेंद, बढ़िया से बढ़िया बल्ला खरीद कर लाया करूंगा अजीजा के लिए। जब ये बड़ी होगी तो मुझे ताया अब्बा कहकर पुकारा करेगी। अमजद और नसीमा की गोद से उछलकर इसी तरह मेरे सीने से चिमक जाया करेगी। मैं पूछूंगा, बताओ बेटा अजीजा मैं कौन हूं? बोलो बेटा अजीजा मैं कौन हूं? बोलो बेटा। शाबाश, बड़ी अच्छी बेटी। 2 साल गुजर गए इस खेल में, अब कुछ देर सुस्ताना। क्यों बेटी, ठीक है ना? अब तुम जाओ, अपनी अम्मी जी से सलाम करके आओ, फिर नाश्ता करें। अजीजा। लो दादी अम्मा, सलाम करो। जीती रहो मेरे चांद, तुम्हारे अब्बा जी दवा खाने जा रहे हैं, आओ उन्हें भी सलाम कर लो। ये दवाएं बाजार से ले आइए, तरकीब मुझसे पूछ जाइएगा, इंशाल्लाह फायदा हो। थैंक यू डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये आपके मरीज थे, गलती से हमारे यहाँ चले आए थे। डॉक्टर हैं दिन के? जी हाँ, वो तो कही आपके दवा खाने की पर्ची निकल आई, वरना बेचारे तो सभी कुछ भूल गए थे। अच्छा, डॉक्टर साहब से मेरा सलाम कहना। बहुत अस्सलाम वालेकुम। आप पहले भी कभी तशरीफ लाए हैं ना? मुझे कुछ याद नहीं। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। ख्याल रखा करो। वेरी सॉरी डॉक्टर। आज कोई हर्ज नहीं, मैं समझा कुर्सी है और भूल कर जमीन पर बैठ गया। तशरीफ रखिए जी। ठीक ठाक कुर्सी पे। शुक्रिया। हाँ तो फरमाइए, कैसे तशरीफ लाए? जी आए तो जरूर किसी काम ही से हैं। भूल गए, आप रहते कहाँ हैं? इसी शहर में। किस मोहल्ले में? ये याद नहीं, मुद्दतों के बाद मकान मिल गया था, अब हफ्ते भर से फिर भूले हुए। बीवी बच्चे तो आपके जरूर होंगे? हाँ जी, बीवी बीवी का कुछ ख्याल है, मगर बच्चों बच्चों का पता नहीं कहाँ चले गए। मेरे ख्याल में आपको नसियान का मर्ज है, कुछ याद नहीं रहता। जी बिल्कुल यही। मैं इलाज करूंगा आपका, लेकिन मुश्किल तो यह है कि ना तो आप अपने मकान जा सकते हैं और ना मकान से दवाखाने आ सकते हैं। मुश्किल तो यही है। मेरे ख्याल में मैं आपको अपने साथ ही रखूं ताकि कुछ इलाज हो सके। तो फिर परहेज शुरू कर दिया जाए अभी से? वो भी हो जाएगा। फरमाइए। क्या आप मरीज को देखने चल सकेंगे? क्यों नहीं, लेकिन फीस 32 रुपए होगी। मेरे पास तो अब रोने के लिए आंसू भी नहीं रहे और उनकी हालत खतरनाक है। शहर के 3-4 डॉक्टरों से इल्तिजा कर चुकी हूँ, बगैर फीस के कोई भी तैयार नहीं होता। खुदा के लिए मेरा सुहाग बचा लीजिए। मरीज यहाँ नहीं आ सकता? वो चलने फिरने से माजूर है, मैं खुद पैदल भागती फिर रही हूँ। ये देखिए मेरी हालत।
मैंने कभी किसी नामहरम के सामने मुंह नहीं खोला, मगर आज अपने शोहर की जिंदगी बचाने की खातिर आपके सामने बेपर्दा हो रही हूँ। मुश्किल यह है कि यहाँ भी काफी मरीज मौजूद है, अगर मैं आपके साथ चलता हूँ तो इन सबको परेशानी होगी। अगर मैं आपको फीस देने के काबिल होती तो आपको किसी भी मरीज की परेशानी का ख्याल ना होता। आप गलत समझ रही हैं, मैं डिस्पेंसरी का काम खत्म करके आपके साथ चल सकूंगा। उस वक्त तक तो वो, या अल्लाह मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसे फरियाद करूं। अब तो मुझ में चार कदम चलने की ताकत भी नहीं रही। ठहरिए, मैं साथ चल रहा हूं। तेरा शुक्र है खुदाया। आप मेरे आने तक यहीं बैठे रहिए। क्या फरमाया, चला जाऊं मैं? जी नहीं, यहीं बैठे रहिए। बहुत अच्छा, बस डॉक्टर साहब यही जगह। कैसी तबीयत है? बदकिस्मत, अपनी मजलूम बीवी को एक रोटी तक ना खिला सके। वो आपकी फीस क्यों कर दे सकेगा डॉक्टर साहब? आप इसकी फिक्र ना करें, ये बीमारी मेरी जवानी की बुराइयों का नतीजा। मैंने हमीदा पर जुल्म किया, ये यतीम, मैंने इसकी गुर्बत से नाजायज फायदा उठाया। लोगों ने इसे लावारिस समझकर मुझे शराबी और बदमाश के पले बांध दिया, जिसमें मैं इसे ब्याह कर लाया। उसी दिन मुझ पर फालिज का हमला हुआ। आप खामखा बददिल हो रहे हैं, खुदा इस बदकिस्मत लड़की की दुआ जरूर कबूल करेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके इलाज में किसी किस्म की कोताही नहीं होगी। आपका एहसान डॉक्टर साहब, जरा सांस लंबा लीजिए। मैं रोजाना इन्हें आकर देख जाया करूंगा, दवाखाने से दवा भी आ जाया करेगी। अगर खुदा ना खास्ता इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो मुझे इतला करा देना। ये कार्ड रखो, इसमें घर का पता भी है। तेरा शुक्र है खुदाया, तूने मेरी मुश्किल हल कर दी। अस्सलाम वालेकुम। खुदा अब्बा जान को सलामत रखे। पहले तो हफ्ते अशरे में एक दफा दौरा पड़ता था, मगर आज सुबह से दो दफा पड़ चुका है। मैं दौड़ी हुई दवा खाने गई, दो घंटे इंतजार किया, लेकिन डॉक्टर साहब गायब। किसी मरीज को देखने गए होंगे? उनकी कुर्सी पर एक बेवकूफ साहब भी बैठा था, मैं उसकी बातों पर खूब हंसी। कहने लगा, डॉक्टर साहब को एक नौजवान लड़की ले गई है। होगी कोई बेचारी, किसी मरीज के लिए बुलाने आई होगी, या फिर मरीज इश्क। कोई भी हो, हमें इन बातों से वास्ता। डॉक्टर को फीस नहीं होना है, बगैर फीस के बुला कर ले गई है। चल हट, तुझे ऐसी बातें सूझा करती है। आपा आप तो बड़ी भोली है, दूल्हा भाई डॉक्टर हो या कुछ और, आखिर है तो मर्द ही। माशाल्लाह, बड़ी समझदारी की बातें कर रही हो तलत। ओह, आप शीख ले आए, मगर अकेले ही? अब्बा जान की तबीयत खराब है, इसीलिए ही आई है। पहले दवा खाने गई, ना मिले तो यहाँ चली आई। जाइए उन्हें देख आइए। देख आया, अब अच्छे हैं। आज दवा बदली है, इस्तेमाल का तरीका भी जुदा है। पर्चा रखा है, जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। शुक्रिया बाजी, नकेल डाल के रखिए दूल्हा भाई को। तुम्हारे जरूर डाल देनी चाहिए अब नकेल। साली भनोई की कभी भी आपस में नहीं बनती, जंग ये एक दूसरे को जली कटी सुनाने लगे। हाँ,
परेशान से क्यों नजर आ रहे हैं? कुदरत एक अजीब किस्म की पहेली है नसीमा, इसे जिस कदर भी बुझने की कोशिश की जाए इंसान उतना ही उलझन में पड़ जाता है। आखिर बात क्या है? काश मैं डॉक्टरी की बजाय कोई और पेशा अख्तियार कर लेता। बाज़ औकात ऐसे वाकयात पेश आते हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। वैसे तो ये घर किसी भी पेशे का मोहताज नहीं, मगर चूंकि अल्लाह ने इंसान की खिदमत को इबादत का दर्जा दिया है, इस नजरिए से आपका पेशा तमाम पेशों पर सबकत रखता है। बशर्ते के इंसानों की चीर फाड़ करते करते डॉक्टर इतने सख्त दिल न हो जाएं कि किसी गरीब के आंसू भी उन पर असर न कर सके। यकीनन आज कोई गैर मामूली वाकया पेश आया है। वैसे तो हम अक्सर दर्दनाक वाकया से दो चार होते रहते हैं, मगर आज तबीयत पर ज्यादा असर हुआ। अगर हर्ज न हो तो मुझे भी बताइए। नसीमा फर्ज करो मैं शराबी बदमाश और बूढ़ा होता। खुदा न करे ऐसा हो। मैं बीमार होता इतना के करीब उलमर्द, और तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी तक न होती मेरे इलाज के लिए। खुदा के लिए बस कीजिए। तुम्हें चार मील पैदल चलकर डॉक्टर के पास जाना पड़ता और डॉक्टर तुमसे फीस का मुतालबा करता, बताओ उस वक्त तुम्हारे दिल की क्या हालत होती? है मेरी। और अगर फर्ज करो तुम डॉक्टर होती और एक बदकिस्मत लड़की इस हालत में तुम्हारे पास आती तो तुम क्या करती? अपने ईमान से वही जवाब कर चुके हैं। सच नसीमा, मुझे उस लड़की पर बड़ा तरस है। खुदा खर्च करे ऐसे बेईमानों को जो ऐसी गरीब लड़कियों को शराबी और बूढ़ों के पल्ले बांध देते हैं। मैं वादा कराया हूँ कि उस शख्स का इलाज मुफ्त करूंगा, हत्ता के दवाइयों का खर्च खुद ही बर्दाश्त करूंगा। खुदा आपको इसका अजर देगा। ओ, मैं तो भूल ही गई, माफ कीजिएगा, भाईजान आपको याद कर रहे थे। वो तो खुद भी भूल गए होंगे, उन्हें अजीजा क्या मेरी दुनिया मिल गई। मिल लेता। हमारी बेटी और बाबा इकट्ठे जुदा जुदे गए। वाह जी वाह, कमाल हो गई, आज तो बेटी खूब जुदा जुद रही है। किसकी बेटी है जरा जल्दी से बता दीजिए। ताया जी की। ओहो भाईजान आओ हम चुनिया। वाह वाह कमाल हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी। ओ बड़ी अच्छी बेटी है। वाह वाह, कल तुम्हारी सालगिरह है। सुनो बेटी, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे हम। जो ना होता है इस घर में वो होगा कर। क्यों बेटी, ठीक है ना? सुन रहे हो अमजद मियां? जी भाईजान। जो ना होता है इस घर में वो होगा। सुना अम्मी? तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है बेटा, लेकिन ऐसी कोई बात ना हो जिससे लोगों को उंगलियां उठाने का मौका मिले। उठाने दो लोगों को उंगलियां, अजीजा की खातिर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। कल तो सभी कुछ होगा अम्मी। भाईजान ने इस कदर एहतमाम कर दिया है, मारे खुशी के फूले नहीं समा रहे। मालूम होता है अरशद की जिंदगी अजीजा की मुट्ठी में होकर रह गई। अजीजा ताया अब्बा जान से कहो ना कि शादी कर ले। अरे जाऊं नन्नी बेबी गुड़िया रानी सत्ते जाऊं। वारी जाऊं जी मैं सत्ते जाऊं जी। वारी जाऊं जी मैं सत्ते जाऊं जी। आज खुशी का दिन है क्यों ना गीत खुशी के गाऊं। मैं वारी जाऊं मैं सत्ते जाऊं। वारी जाऊं लललललल आहा। वारी जाऊं जी मैं सत्ते जाऊं जी। मोटर घोड़ा तम तम हाथी नन्नी के है नन्ने
साथी मोटर घोड़ा तम तम हाथी नन्नी के है नन्ने साथी आ मेरे गुड्डो तुझको तेरी मोटर में बिठलाऊं तुम 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 स्वीट बेबी गुड़िया रानी माय स्वीट बेबी गुड़िया रानी आज खुशी का दिन है क्यों ना आज खुशी का दिन है क्यों ना गीत खुशी के घर मैं वारी जाऊं मैं सत्ते जाऊं वारी जाऊं लल 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 आहा सत्ते जाऊंगी वारी जाऊंगी मैं छकरी जाऊंगी दी और भैया से जो मांगू वो पाऊं आज मैं बाजी और भैया से जो मांगू वो पाऊं बारी जाऊंगी मैं सत्ते जाऊंगी बारी जाऊंगी मैं छुकरे जाऊंगी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आप तशरीफ ले आए बड़ी खुशी हुई आता क्यों नहीं अजीजा की खुशी से बढ़कर मुझे और क्या चाहिए आखिर खून है मेरा और फिर ऐसी महफिल आपके हाथों हो भला मैं चूकने वाला ले ले नैना हाँ ले ले
तड़पाए दिन रात, दिल को अपने संग मिलाकर तड़पाए दिन रात, छमछम मेरी आंख से बरसे दिन बादल बरसात, दिन बादल बरसात। देखो सखी तुम देखो सखी, देखो सखी तुम देखो सखी, जिया को जनेरी मोहे पड़ी पहरी, अले ले ले नैना, अले ले ले नैना, बिनती कर कर हार गई मैं, बिनती कर कर हार गई मैं, मन अपना ही मोरा देना, मन अपना ही मोरा देना, अले ले ले हमीदा, खैर तो है? उनकी हालत बड़ी खराब है, खुदा के लिए जल्दी चलिए। मैं अगर थोड़ी देर के बाद आ जाऊं? आज आपकी जरूरत ना पड़े, ये सोचने का वक्त नहीं डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए। अच्छा चलो। मुझे माफ कर, खुदा के लिए मार बख्श दो। सुना है जिंदगी का सत्ता भी होता है डॉक्टर साहब, क्या मौत का फरिश्ता इस वक्त मेरी जान कबूल करेगा? सबर करो मीता। खुदा की तरफ से आता है और उसी की तरफ वापस चला जाता है। उसने नकाब के उल्टी गोया दूल्हा भाई की दुनिया लौट दी। जरा सोचिए तो सही कि अपने घर की इतनी बड़ी खुशी छोड़कर उसके साथ हो लिए। तुम्हें तो हवा में फरिश्ते नजर आते हैं, वो कोई मोती चूर के लड्डू तो नहीं जो निकल जाएगी? बाजी इस भुलावे में न रहिए, बीवी की जरा सी गफलत से अच्छे अच्छे पारसा चौपट हो गए हैं। पहले चुप रहो। तौबा, अजीब पेशा है डॉक्टर का, ना मियां को चैन ना बीवी को। उफ, बड़ी देर हो गई, मरीज इंतजार कर रहे होंगे। आज घर की खुशी छोड़कर चले गए और आए भी तो सुबह। अजीब दुनिया है ये, कहीं शादी के जलसे कहीं मातम की मजलिस। आखिर कौन थी वो जिसके इशारे पर रात को उसके साथ हो लिए? वही बदनसीब लड़की, कल रात बेवा हो गई। कफन दफन का इंतजाम करके आया, जारो कतार रो रही थी करीब। तौबा, रोंगटे खड़े हो गए हैं सुनकर। अव्वल तो वो बेसहारा, फिर महिला बदमाशों का, और वो उस घर को छोड़ने पर तैयार नहीं। कोई शरीफ है बेचारी, शोहर की लाज रखना चाहती है। अव्वल दर्जे की शोहर परस्त। दवाई खाकर पानी पिया जाए या पानी पीकर दवाई खाई जाए, भूल गए बताया कुछ जरूर था डॉक्टर साहब ने। मैंने कहा पहले दवा खा लो, ऊपर से थोड़ी सी घास चर लो। नहीं नहीं, घास नहीं, इतना तो याद है, घास नहीं। तो पहले पानी पी लो। हाँ ये ठीक है, आइए रुखसत अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो
जी माफ कीजिए, मैं भूल गया था, शादी मुबारक हो। किसकी शादी? जी वो आपकी शादी हुई है ना रात को। अच्छा आप तशरीफ रखिए। दरवाजा बंद कर दीजिए। जी बहुत अच्छा। किसी को तो साथी बनाना ही होगा। तुम जाते हो ना चीख कर मोहल्ले वालों को बुलाऊं, वो मार पड़ेगी कि याद रखो। मार खाकर भूल जाना तो हमारी पुरानी आदत है, और फिर मोहल्ले में किसकी मजाल है जो मुझसे आंख भी मिला ले। और फिर मैं तो तुम्हें समझा बुझाकर ही राजी करूंगा। खुदा के लिए मुझ बेकस पर रहम करो और चले जाओ यहाँ से। देखो अमीदा बेगम, ऐसा ना हो कि मुझे फिर घी निकालने के लिए अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ जाए। याद रखो। शर्म नहीं आती तुम्हें इस गरीब मुसीबत वाला को तंग करते हुए? जी मैं तो इनका मिजाज पूछने आया था डॉक्टर साहब। अगर तुम्हारा मिजाज मैं पूछ लूं अभी तो बुलाओ पुलिस को। ये लीजिए जी, हम चल दिए बस।
खबरदार जो आइंदा यहाँ है। अजी हम तो आपके बच्चे हैं डॉक्टर साहब, बच्चे श्रवण है। खुदा का शुक्र है आप वक्त पर आ गए, वरना न जाने। मैंने कह रहा था उस दिन कि तुम्हारा यहाँ रहना खतरनाक है। मुझे क्या मालूम था ये दुनिया बदमाशों और लुटेरों से भरी पड़ी है, एक बेकसर मजबूर को इज्जत से रहने भी नहीं देंगे। अब क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं अपने शोहर का घर छोड़कर जाऊं थी, कहा कोई ठिकाना भी तो है। दुनिया में औरत के तीन घर होते हैं हमीदा, पहला शोहर का, दूसरा माँ बाप का और तीसरा भाई का। ना माँ बाप है मेरे और ना भाई। तुम्हारा भाई मौजूद है? मेरा भाई? हाँ मेरी मजलूम बहन, खुदा के फल से तुम्हारे भाई का घर मौजूद है। चलो मेरे साथ। रो नहीं मीता, चलो। सच बाजी, मैंने तो सुना है दूल्हा भाई रोजाना ही हमीदा के घर जाते हैं और उसका तमाम खर्च भी खुद ही उठाते हैं, और कल तुम सुनकर आओगी कि उन्होंने उसे घर में भी डाल लिया है पगली। तभी आंख खुलेगी आपकी। तौबा, मेरा दिमाग मत खराब करो तल्लत, पढ़ी लिखी होकर जहर जैसी बातें करती हो। वो आ गए। आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? आदाब अम्मी जान। जल्दी कैसे आ गए बेटा, ये कौन है? है तो इस गरीब की लंबी कहानी, लेकिन मुख्तसर ये कि मैं उसके खाविंद का इलाज कर रहा था, वो जिंदा न रह सका। पहले ये यतीम थी, अब बेवा भी हो गई है। महल्ले के गुंडों ने इसे तना समझकर परेशान करना शुरू कर दिया। ये लाचार है, कोई ठिकाना नहीं इस गरीब का। आखिर मैंने इसे, अगर आप दोनों भी इजाजत दें तो ये जिंदगी के बाकी दिन यहाँ इज्जत से गुजारते। बस किस्मत बेचारी, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? हमीदा। मजलूम की हिमायत और लाचार की मदद है इबादत। मुझे तुम्हारे इस फेल पर बेहद खुशी हुई है अमजद, खुदा तुम्हें इससे ज्यादा रहम दिल बनाए। हमीदा, इस घर को अपना घर समझो, यहाँ की हर चीज तुम्हारी है, जो जी चाहे खाओ पियो और खुश रहो। लीजिए, अब तो सुनने सुनाने का किस्सा ही बाकी नहीं रहा, मुस्तकिल तौर पर ले आए हैं यहाँ। तल्लक, मुझे कुछ सोचने दो। मत को शुरू ही रोक देना चाहिए बाजी, अगर जड़ पकड़ ले तो इलाज मुश्किल हो जाता है। किस मर्ज का इलाज हो रहा है ये? डॉक्टरी कब से शुरू कर दी आपने? जब से आपने आबादकारी का काम संभाल लिया है। तौबा, फिर वही नौछा, कभी तो किसी दिन में बात किया करो दोनों। आजकल तलत की हमदर्दी तुमसे गैर मामूली तौर पर बढ़ती जा रही है। कुदरती बात है, हम दोनों का तो एक ही खून है, मगर आपकी हमदर्दी गैरों से इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? तलत, बको मत, मजाक फसाद की जड़ है। अब्बा जान के बारे में जो कुछ मालूम करना है करो और घर जाओ। कल के हालात तो मैं बता चुकी थी, बस आज का दिन भी वैसा ही गुजरा। तब फिर वही दवा देती रहो, मैं कल आके इंजेक्शन दे दूंगा। बहुत अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। और कोई कसर बाकी रह गई है तो वो ही पूरी करती जाओ, वरना रात भर नींद नहीं आएगी। अगर कोई इतराज ना हो तो हमीदा बेगम से अपना तारुफ करवाती जाओ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, चलो। अच्छा दूल्हा भाई, खुदा हाफिज। शैतान हाफिज, दफा हो। तू कोई नौकरानी है जो रोजाना पैर दबाने बैठ जाती है? बेटी तो हूँ आपकी। हाँ बेटी, तेरे आने से घर की रौनक बढ़ गई है, कितना सलीका है तुझ में। और बेबी तो तुझसे इस कदर मानूस हो गई है कि नसीमा तक की परवाह नहीं करती। मुझ बेकस पर आपने कुछ कम एहसान किया है, वरना खुदा जाने कहां कहां की ठोकरें खाती फिरती। कैसी चांद सी सूरत है तेरी, जवानी में किस्मत फूट गई। खैर, अल्लाह को मंजूर होगा तो फिर खुशी के दिन देख लेगी। मैं अब जिस हाल में हूँ बहुत खुश हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐ बेटा, अभी तेरी उम्र ही क्या है, मैं तुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी। ये क्या कहा आपने? बुराई की बात नहीं, खुदा रसूल का हुक्म है बेटा, जवान बेवा का निकाह जायज है। खुदा के लिए मुझे कभी इस बात के लिए मजबूर ना कीजिए, वरना मैं समझूंगी जिस तरह हर बेटी माँ बाप के लिए बोझ बन जाती है, इसी तरह मैं भी आपके लिए। तौबा कर हमीदा, तू मेरे लिए अरशद, अमजद और नसीमा से जरा बराबर कम नहीं। तो फिर क्या कभी आपने मेरी कोई कमजोरी? मेरी बच्ची, तू न जाने क्या से क्या समझ गई,
तेरे जैसी नेक औरत पर हजार शरीफ जादियां कुर्बान कर दूं। हमीदा, बेबी को ले जाओ। जी मैं लाना कर मेरी बच्ची, जा अपनी बेबी को ले आ, जा। बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसे कीमती लाने की क्या जरूरत थी? हसीन हाथों में कीमती चीज ही देख देती है नसीमा। गलत, अगर आप पत्थर के भी ले आते तो मुझे खुशी होती। कबीर चीज की नहीं, जज्बे की होती है। अच्छा बताओ हम किस जज्बे से लाए? कह तो रही हूँ अगर आप पत्थर के भी ले आते तो मुझे खुशी होती। इन हाथों के लिए पत्थर किस दिल से खरीद लाता? अब्बा जान की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, अगर आप इजाजत दें तो एक महीने के लिए चली जाऊं। एक महीना? तौबा। ठीक, औरतें मैके नहीं जाया करती। लेकिन हम नहीं जाने देंगे। अब्बा जान बुरा मनाएंगे। अच्छा तो कल सुबह छोड़ आऊंगा और आते वक्त लेता आऊंगा। बाजी, अजीजा सो गई। ले आओ हमीदा। ये शरीर तुमसे बहुत ज्यादा हिल गई है, ना भाईजान के पास होती है ना मेरे पास। तुमने इसे लोरियां देके सुलाने की आदत डाली है ना, तुम्हें बड़ी तकलीफ होती होगी हमीदा। तकलीफ? ये क्या, अपने बच्चे भी भला किसी को बार गुजरते? न जाने क्या बात है, हमीदा अब तक अपना दुख दर्द नहीं भूली, हर वक्त चेहरे पर उदासी सी छाई रहती है। नहीं तो यहाँ जैसे आराम तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखे थे। ये क्या कर रही? मैं तो खुद बहुत मना करती हूँ लेकिन ये नहीं मानती, रोजाना ले जाती है और पॉलिश करके ला रखती है। हमीदा रख दो इन्हें, आखिर तुमने खुद को खादना क्यों समझ रखा है? कौन सा बड़ा काम है ये, और फिर किसी गैर का तो नहीं। तौबा, अजीब जिद्दी लड़की है। अजीब तो आप हैं जो हमीदा की उदासी का मतलब नहीं समझते। तुम ही बताओ। यही कि आप उसकी शादी क्यों नहीं करा देते? लेकिन इस किस्म का इजहार उसकी तरफ से भी हो। औरत भी कभी अपनी जबान से कुछ कहती है, खुद समझना चाहिए। आखिर वो जवान है और इस तरह घर में बिठाए रखने से बदनामी होती है। कैसी बदनामी? यही कि एक खूबसूरत और नौजवान लड़की से ऐसा क्या लालच। पागल न मत, किसी शक ने अच्छे अच्छे घराने तबाह करके रख डाले, मालूम होता है तुम पे तलत का जादू चल चुका है। गोया आप हमीदा की हमदर्दी में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि मैं आपको पागल और मेरा खानदान आपको कमीना न जाने लगा है। खामोश रहो, पहले अपने जहन को शक और शुबे की आलाश से पाक करो, फिर बात करूंगा तुमसे। अजीजा शरीर को देखा, पीछा नहीं छोड़ती हमीदा का, जब देखो उसी के साथ। ये तो बच्चा है, प्यार से तो जानवर भी मानूस हो जाता है। वैसे गरीब हमीदा इस घर में है भी कैद, तलाश में हूँ, कोई शरीफ लड़का मिल जाए तो निकाह कर। यूँ ना कहो, हमीदा को रंज होता है इन बातों से। आह क्यों, इतनी अच्छी बच्ची है। लीजिए अजीजा बेगम खुद अपना नाश्ता तैयार करके लाई है। अच्छा हमारी बेटी नाश्ता तैयार करके लाई, खुद तैयार किया है ना बेटी? ना आओ हमीदा बेटी बैठ जाओ, मुझे नाश्ते की आदत नहीं। अच्छा चाय ही पी लो, मैं वहाँ पी लूंगी। बैठ जाओ हमीदा, मैं यही जानना चाहता था, तुम्हारा मंशा मालूम हो चुका है, अब तुम्हें कोई भी मजबूर नहीं करेगा, हंसी खुशी रहो। ये अब्बा जान के पास जा रहे हैं, अगर इजाजत हो तो मैं भी चली जाऊँ, शाम को आते वक्त लेते आएंगे। हाँ चली जाओ, मेरा सलाम कहना और तबीयत भी पूछना। अजीजा तुम ताए अब्बा के पास रहो, मैं शाम को आ जाऊंगी। दुल्हन के तेवर बदले हुए हैं, अम्मी ऐसा ना हो कि अमजद और नसीमा की खान की जिंदगी में बहचाल आ जाए। खुदा ना करे, मुद्दतों के बाद तो इस घर में थोड़ी सी खुशी नसीब हुई है। और वो तलत के हाथों तबाह होती नजर आ रही है, दुल्हन का जहन शक्को शुबे के दलदल में फंस कर रह गया। अम्मी बड़ी मुश्किल में है, या तो गरीब हमीदा पर जब्त करके उसे किसी के हवाले कर दिया जाए, या फिर अमजद और नसीमा तबाही के लिए तैयार रहे। हमीदा का दिल टूटा हुआ है, अगर उसे मजबूर किया गया तो शायद वो जान ही पर खेल जाए। खुदा करे दुल्हन का दिल साफ हो जाए। जब तक वो तलत से मिलती रहेंगी ये गैर मुमकिन है।
ये भी तो गैर मुमकिन है कि नसीमा तलत से ना मिले, आखिर बहन है। मैं किसी कीमत पर भी अमजद और नसीमा को तबाह नहीं होने दूंगा। तो फिर बेटा क्यों ना ऐसा काम किया जाए, ना तूफान ही उठे और ना हमीदा को घर से निकलना पड़े। वो कैसे? अगर तू ठंडे दिल से गौर करे तो इससे बेहतर सूरत हो ही नहीं सकती। हमीदा से तेरा निकाह हो जाए, दुल्हन का दिल खुद ब खुद साफ हो जाएगा। अम्मी हद कर दी है आपने, फिर मुझमें और उस गुंडे में क्या फर्क रह जाएगा जिसके चुंगल से अमजद उसे छुड़ाकर यहाँ लाया। खुदा के लिए ऐसा हर किस्म सोची। क्या मुसीबत है? जिससे शादी के लिए कहो वही उल्टा पड़ता है। ये क्यों नहीं समझते कि निकाह सानी खुदा रसूल का हुक्म है? माशाल्लाह आज तो तबीयत अच्छी है। मैं तो दायमुल मरीज होकर रह गया हूँ। तुम्हें बार बार तकलीफ देते नदामत महसूस होती है। आप जितना सोचेंगे उतना ही आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। वैसे भी दूल्हा भाई की फरार दिली मशहूर है, अपनों का इलाज तवज्जो से क्यों ना करेंगे, जबकि गैरों का इलाज करते करते घर ले आया करती हूँ। हर घड़ी मजाक अच्छा नहीं होता, कभी तो चुप रहा करो। ये कुछ है मुंह पर, मजाक में सच बात भी मुंह से निकाल दिया करती है। खुदा के लिए इनका साया हमारे सर पे सलामत रहने दीजिए। हजार बार समझा चुका हूँ कि ये बीमारी खतरनाक है, गुस्से की हालत में दिमाग की शिरियान फट जाने का अंदेशा है और कभी कभी इसका ऑपरेशन जानलेवा भी साबित हो सकता है। खुदा ना करे अब्बा जान के दुश्मन को पूछो। तलत, मैं तुमसे कह रहा हूँ, माशाल्लाह तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, ऐसी कोई बात ना होने पाए जिससे अब्बा जान को सदमा पहुंचे। आपसे इल्तिजा है कि आप किसी भी मामले पर सोचना बंद कर दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहतमंद हो जाएंगे। अच्छा इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शाम को लेने आइएगा अगर वक्त मिल सका तो। रुखसत अली। डॉक्टर साहब आइए आइए आइए। दरवाजा बंद कर दूं? जी नहीं रहने दीजिए, मैं खुद बंद कर देता हूं। बहुत अच्छा है। टोपी कहाँ है आपकी? हाँ जी इधर है। ठहरिए डॉक्टर साहब, वो तो आपकी गाड़ी में रह गई। ठहरिए ठहरिए, कौन सी गाड़ी में? अजी आपकी गाड़ी में। और तिबला मेरी गाड़ी में तो आप तशरीफ रखे हुए हैं, और ये आपकी टोपी भी परसों से यहाँ तशरीफ रखे हुए हैं। ओह शुक्रिया शुक्रिया। देखिए कहीं दरवाजा खोल के कूदना जाइएगा। क्या फरमाया, कूद जाऊं? अजी नहीं, तशरीफ रखिए। अच्छा बहुत अच्छा है। हाँ टोपी सर पे ही पहनिएगा जी। आप सर पे ही है जी। लो भाई अजीजा बेगम, अब 6 बज गए, खेल खत्म। अभी अम्मी आएगी, अब्बा आएंगे, हमारे लिए इतनी सारी लो वो आ गए। आप आचारी
जादू कर दिया है। अब उन्हें आपकी क्या परवाह है? आपने गलती की जो उसे घर में घुसने दिया। घर उसका था, मैं कैसे रोकती? यह अच्छी जबरदस्ती है जिसे चाहे आपके सर पर लाके बिठा दें। मजा आता अगर कोई बीए पास मिलती। वो मुझसे खफा है, लेने नहीं आएंगे। मुझे खुद ही जाना चाहिए था। इस तरह गुलाम बनकर रहने से फायदा, आप जरा सख्ती बरत कर तो देखिए। कैसी सख्ती? कहिए कि हमीदा को फौरन घर से निकाल दीजिए। ऐसा वो हरगिज नहीं करेंगे। तब फिर आप उनसे तलाक मांग लीजिए। खुदा खुदा का पागल तो नहीं हो तुम? तलाक लेने को कौन कह रहा है? जरा धमकी देकर तो देखिए, दूल्हा भाई के होश ठिकाने ना आ जाए तो कहना। तलत खुदा ना करे कि बात बढ़ जाए। तौबा करो बाजी, आखिर मैं आपकी बहन हूँ। आप इस तलाक वाले मुतालबे को आजमा कर तो देखिए। घर तो खेलती रही, शाम से अम्मी अम्मी पुकारते हुए थक कर सो गए। अमजद अभी जाकर लाओ दुल्हन को, बच्ची सुबह से हिरासा हो रही है। वो खुद ही आ जाएंगे। अमजद पढ़े लिखे होकर नादानों सी हरकत नहीं किया करते। अगर दुल्हन कोई बात गलत समझ ले तो तुम्हें चाहिए कि उनकी गलतफहमी दूर करो। मियां बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक है, खुदा ना खास्ता अगर टूट जाए। खुदा ना करे, और ऐसी कोई खास बात भी तो नहीं। जरूर है, मैं इस घर को किसी सूरत दोज़ख़ में बनने दूंगा। अव्वल तो तलत का यहाँ आना बंद होगा, और उसके बाद दुल्हन अब अपने मैके नहीं जा सकेगी। इससे बेहतर कोई तरकीब हो ही नहीं सकती। जड़ को पकड़ लिया है आपने, ये सिर्फ शाखों की कतर बहुत है, जड़ बाकी है। अगर इससे काम न चल सका तो जड़ ही कुरेदनी पड़ेगी। ये नहीं होगा भाईजान, जरूर होगा, सिर्फ तुम्हारी खुशगवार जिंदगी की खातिर। याद करता है? मैं लाख सही, मगर बच्ची भला माँ को भूल सकती है? शौहर बीवी को तो भूल सकता है। आपा, आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। हमीदा बेगम, मैं तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ, जिस घर ने तुम पर इतना बड़ा एहसान किया है उसे तबाह ना करो। अल्लाह रखे अभी जवान हो, खूबसूरत हो, शादी करके अपना घर बसा लो। बाग बां भी खुश रहे, राजी रहे सयाद भी।
हाँ हमीदा, मर्दूबे मुए तो 60-60 वर्ष के शादी कर लेते हैं, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, और बेवा का निकाह तो शरा से भी जायज है। ये कोई जरूरी नहीं आपा, जिसका जी चाहे करे ना चाहे ना करे। जीना चाहने की भी एक ही कही, वाह हमीदा बेगम। मैं अपने बुरे भले को अच्छी तरह समझती हूँ तलत आपा, इस घर में अम्मी बुजुर्ग हस्ती हैं, मैंने उन्हें भी इनकार कर दिया है। अम्मी ने भी तो कोई मसलत समझी होगी, तभी कहा होगा। अल्लाह के फजल से इस घर में दो जवान भाई हैं। खुदा के लिए खामोश हो जाइए, आज तक इस घर में किसी ने मुझ पर ऐसी बेगैरती का इल्जाम नहीं रखा, वरना जहर खा लेती। बातें तो बड़ी मच्छरदार आती हैं तुम्हें, जहर खा लेती, मगर डॉक्टर अमजद को नहीं छोड़ सकती। बस कीजिए आप, मैं चली जाती हूँ इस घर से। तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। तलत, तुम इस घर में आग लगा चुकी हो और अब तमाशा देखने का इंतजार कर रही हो। साफ क्यों नहीं कह देते कि तलत तुम यहाँ से निकल जाओ। बहुत जल्द समझ गई हो तुम, ये तो खुली हुई ज्यादती है आपकी। एक खादमा के लिए मेरी बहन के साथ ये सलूक मेरा क्या है, मैं कहीं भी दो रोटी पैदा कर खाऊंगी। तुम नहीं जा सकती। भला क्यों जाने देंगी आप इसे, इस बेगैरती से तो अच्छा है कि आप मुझे तलाक दे दीजिए। बाजी, ये क्या हरकत कर रही है आप। नसीमा, होश में आओ, कुछ खबर है क्या कह गई हो तुम। दुल्हन, तुमने बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात की है, शायद तुम तलाक के अंजाम से वाकिफ नहीं, अपने अल्फाज वापस लो। देख लिया बाजी, रंग उड़ गए हैं चेहरों के। रंग तो चेहरों पर फिर भी वापस आ सकता है, मगर याद रखो, शौहर के मुंह से निकले हुए तलाक के अल्फाज फिर कभी वापस नहीं आ सकते। तलत, फौरन निकल जाओ यहां से। बहुत अच्छा, कल इनकी बारी है। दुल्हन, क्या ये मसला वाकई इस कदर अहम है कि जिसकी दान तलाक ही पर जाकर टूटे। झगड़ा सिर्फ हमीदा का है, अगर इस गरीब की किस्मत में ठोकरें ही खानी है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। हमीदा चली जाएगी यहां से। ये सरासर मेरी खुददारी के खिलाफ है भाईजान। बाज़ औक़ात इंसान अपने नामूस की खातिर अजीज से अजीज शय भी कुर्बान कर देता है। ठिकाना जब नहीं रहता किसी।
दादी सुना है, कल से सारा घर आपको दलील कर रहा है। खुदा ना खास्ता आप लवारिस तो नहीं, नवाब की बेटी है। अगर चाहे तो इस घर को खरीद कर छोड़ते। बाप का बतंगड़ बन गया है, वो अभी जिद पर है। मेरे ख्याल में मुझे वो पीछे हटना चाहिए। तो फिर याद रखिए, आइंदा से इस घर में आपकी कोई इज्जत ना होगी। तो क्या फिर तलाक मांग लो? वो खुद भी ना दे सकेंगे। ये आजमा कर तो देखिए, जब तीसरी बार तलाक दें तो रोक दीजिए। इनकी बातों में ना आइए, गलत समझा रही है आपको। खामोश, तू इस घर को आग लगाने वाली है। मैं लाख बुरी सही, आपके भले ही कह रही हूँ। बेबी की खातिर अपना फैसला बदल दीजिए। मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। यानी तुम तलाक लेना ही चाहती? ये तो बेवकूफ है, तू ही समझ से काम ले अमजद। मैंने इन्हें रात भर का वक्त दिया था कि ये समझने की कोशिश करें, और आप खुद नहीं समझे। भाईजान, तूफान का मुकाबला तूफान बन करना दीजिए। आप ही हट जाइए अपने फैसले से। नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर दे दीजिए मुझे तलाक। मैंने तुम्हें तलाक दी अमजद, खुदा के लिए नहीं। मैंने तुम्हें तलाक दी अमजद, होश में आओ, अब भी वक्त है। मैंने तुम्हें तलाक दी। मैंने तुम्हें तलाक दी। खेल बिगड़ चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम अजीजा को अपने साथ ले जा सकती हो। पहली कलेजा छिप कर रह गया है, तब और ताने कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा। मेरा मन क्या हरगिज तलाक लेने का ना था। वो तो पूरी महाना तलाश कर रहे थे, बाजी के मुंह से लफ्ज तलाक निकला, फट से तलाक दे दी। मगर इसकी जबान से ये लफ्ज निकला ही क्यों? मेरी किस्मत में ये लानत और रह गई थी, वो भी मिल गई। नसीमा, मेरे मरने का इंतजार तो कर लेती, और फिर यहाँ क्या लेने आई हो? औरत की पनाह गया शौहर का घर है, तुम वहां से निकल आई, अब दुनिया में तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिल सकेगी। मैं बहुत जल्दी तो लुट चुकी, किसी के कहने में आकर अपनी दुनिया तबाह कर ली। आप सदमा ना कीजिए। अगर इतना ही दर्द अपने भूमि बाप का होता तो तनाव का लफ्ज कभी अपनी जबान से न निकालती। अरे नहीं बेगम, नहीं, अब अमजद से हमारा क्या वास्ता? मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? हाय अल्लाह, तूने मुझे गायब क्यों ना कर दिया? मैं झूठ कहकर साथ में गुनाहगार बन गई। आपने तमाम रात भी इसी तरह परेशानी में गुजारी है, बड़ा गलत फैसला किया आपने। ये सब कुछ मुझ बदनसीब की वजह से हुई। नहीं हमीदा, ये हम दोनों की बदकिस्मती थी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। होने वाली बात तो होकर ही रहती है, मगर कहने के लिए तो बेचारी हमीदा ही मजबूर साबित हुई। आप सच कहती हैं अम्मी, ना मैं निगोड़ी इस घर में आती और ना ये आफत भाईजान पर आती। यूं ना कहिए अम्मी, किसी मजलूम को मनहूस समझना खुदा को बुरा मालूम होता है। जो कुछ होना था हो गुजरा, आइंदा हमीदा से इस बारे में कोई कुछ ना कहे। अजीजा,
दीदी कहाँ हो तुम? नाश्ता कर लीजिए। हमीदा, अजीजा अब कभी नहीं आएगी यहाँ? मैं ले आऊंगी उसे। खुदा करे अजीजा आ जाए, वो फिर इस घर में आ जाए। क्यों रो रही है ये साहबजादी? ऐसे ही जिद कर रही है, फिर चुप कराओ ऐसे। 24 घंटे का रोना पीटना, किसी वक्त तो घर में आराम मिलना चाहिए। और खुद बच्ची ही तो है, और मैं अकेली कब तक संभालूं इसे? माए रखी है यहाँ तो सर ही, लेकिन कोई आकर पूछता तक नहीं। बूढ़ी भरी बच्ची को बहला ले तो क्या बुराई है? इन लाडों से पली है ये बच्ची। लाडों से पालने वाले तो गायब हो गए, मुसीबत हमारी जान को। अम्मी, मैंने कुछ निकालने से पहले सोच भी लिया कीजिए। बेहजा मुझे अकल देने आई है, कितना अच्छा नाम निकाला है नवाब मुजफ्फर अली खां का। बेगम साहबा, जिस तरह अपनी मर्जी से पहले शौहर को छोड़कर आ गई हो, उसी तरह आप दूसरे मर्द को ढूंढो। अम्मी अकेली बस कीजिए इस घर में, मेरे रहना मुश्किल था, तुझे कौन रहने तुझे रसी मैं। अब्बा जान आप कुछ सुन रहा करते हैं, किसी बात से सर आप खुद न ले, मगर आप मानते ही नहीं। या अल्लाह, मैं बहुत दलील हो चुकी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से अब्बा जान पर कोई मुसीबत आ जाए। शायद ये आखिरी दौरा है। तू मुलाजिम कमबख्त कहाँ चला गया? कौन सी डॉक्टर को बुलाने गया है? अभी आ जाते हैं अमजद मियां। क्यों बुलाया है अमजद को? वो आपके मर्ज से वाकिफ है, दूसरा डॉक्टर शायद सही तशखीस न कर सके। आ गए अमजद मियां। फिर आ ही गए अमजद मियां। नसीमा जी, तुम अपने कमरे में चली जाओ, अमजद मियां से पर्दा करो। तलाक के बाद तुम उनके लिए नामहरम हो, जाओ। तुम्हारे अब्बा जान आए हैं, जाओ उनसे मिलो। आइए डॉक्टर साहब। कैसी है मेरी बेटी? आपकी तबीयत कैसी है? जी रहा हूँ। आपने किसी बात का बहुत ज्यादा असर लिया है। क्यों न लेता डॉक्टर साहब, आखिर इंसान ही तो हूँ। लेकिन आपने मेरी मेहनत पर पानी फेर के रख दिया है। आपकी सेहत पहले से बहुत ज्यादा खराब है। सब कान खोलकर सुन ले, अगर अब इनको राय बराबर भी सदमा हुआ तो श्रीयान फट जाएगी, और ऑपरेशन के सिवा कोई चारा नहीं। या अल्लाह रहम कर, अब्बा जान के सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है? अपने हबीब के सदके उनकी जान बख्श दे। इन्हें मुकम्मल आराम दीजिए और इंतहाई तवज्जो के साथ दवा बराबर देती रहना, अल्लाह से मुतला करती रहो। आप भी खुदा के लिए एहतियात बरतिए। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। डॉक्टर साहब, आज की भी और आइंदा के लिए भी आपको मुझसे फीस लेनी होगी, मैं तभी आपसे इलाज कराऊंगा। पहले हुजूर से एहतियात तो हो जाए, मालूम था, पर अब भी वही हूं। आप ऐसी बातों को सोचना बंद कर दीजिए। अच्छा, खुदा हाफिज़। हम तुम्हारे लिए चीजी नहीं लाए, कल जरूर लाएंगे। अच्छा जाओ बेटे, अब खेलो। अगर मैं अपने शहर से माफी मांग लूं और वो भी मुझे कबूल कर ले तो? तलाक के बाद बीवी शौहर पर हराम हो जाती है बेटी। फिर कोई और सूरत बताइए काजी साहब। सूरत ये है
अब तुम्हें 4 माह इद्दत के गुजारने के बाद किसी दूसरे मर्द से निकाह करना होगा। हरगिज़ नहीं। पहले सुन लो और फिर वो मर्द अपनी मर्जी से तुम्हें तलाक दे दे, फिर इसी तरह 4 माह इद्दत के गुजारने के बाद तुम्हें अपने पहले शौहर से निकाह करने का हक होगा। बेटी नहीं नहीं, मैं ये बेगैरती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बेगैरती तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई कफारे की सूरत निकालिए काजी साहब। तलाक मुगल्लज़ा में किसी कफारे की गुंजाइश नहीं, यही एक सूरत है जो मैंने बताई है। तुम्हारी बीवी जो अब मुतल्लका है और तुम पर हराम है, 4 माह इद्दत के गुजारने के बाद किसी गैर मर्द से निकाह करे। तब इससे तो तड़प तड़प कर जान देना ही बेहतर है। वालेकुम अस्सलाम। जरा सी गलती की इतनी बड़ी सजा। तब तुम्हें तलाक मांगनी ही नहीं चाहिए थी। शौहर और बीवी को एक दूसरे के दिल दुखाने का बदला जरूर मिलना चाहिए। न वो इस तलाक को बर्दाश्त कर सकेंगे और न मैं, और किस नहीं। तलाक तो आखिरी चीज है बेटा। जब कभी ऐसी सूरत दरपेश हो कि मियां बीवी का गुजारा हो ही ना सके। मगर तुमने तो फजूल सी बात पर तलाक मांग ली और तुम्हारे शौहर ने बिना सोचे समझे तलाक दे दी। अब कुछ नहीं हो सकता। खुदा तुम्हें सब्र दे। प्यार भरा दिल तोड़ने वाले प्यार का ये दस्तूर नहीं है। प्यार का ये दस्तूर नहीं। मेल हमारा और तुम्हारा किस्मत को मंजूर नहीं है। किस्मत को मंजूर नहीं। प्यार भरा दिल तोड़ने वाले प्यार का ये दस्तूर नहीं है। प्यार का ये दस्तूर नहीं। प्यार का ये
कोई सुकून नहीं, प्यार भरा दिल तोड़ने वाले, प्यार का ये दस्तूर नहीं है, प्यार का ये दस्तूर नहीं। भाईजान, बड़े भाईजान को सख्त बुखार है। बुखार? जी हाँ, बेहोशी की हालत में ना जाने क्या कुछ कह रहे हैं। अर्चन, हाय अल्लाह, ना जाने क्या हो गया है मेरे बच्चे को। मैं बुला के लाता हूँ अमजद मियां को। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अजीजा अजीजा के सिवा कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या कह रहा है। बुखार तेज है। हफ्ते भर से कुछ खाया भी तो नहीं, जब भी खाने बैठा अजीजा याद आ गई और उठकर चला आया। बुखार नहीं होगा तो क्या होगा। कागज कलम लाइए, मैं नुस्खा लिखता हूँ। जी हाँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर अजीजा को ले आऊँ। हाँ ले आओ, अगर वो माँ के बगैर, और माँ उसके बगैर। क्या लाने के लिए कहा था आपने मुझे? हाँ अल्लाह, इसे भी सख्त बुखार हो रहा है। हाँ अम्मी, अंगारों की तरह दहक रहे हैं, चलो इन्हें कमरे में ले चले। या अल्लाह, ये क्या जुल्म है तेरा, बर्बादी के लिए और कोई घर नहीं दुनिया में, ये मुसीबतों के पहाड़ों पर क्यों टूट पड़े? आज देर हो गई अमजद मियां को, वरना तो वक्त पर आ जाया करते थे। आखिर अमजद भी तो इंसान है, यहाँ आकर उसके दिल पर क्या गुजरती होगी वही जानता होगा। सलाम अर्ज करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा जान, यही है वो हमीदा बेगम जिन्होंने बाजी का घर उजाड़ा है। अच्छा, यही हमीदा है? जी हाँ, मैं ही बदकिस्मत हमीदा हूँ। नाम सुना था तुम्हारा, आज देख लिया, बड़ी खतरनाक साबित हुई हो तुम। अगर मैं खतरनाक होती तो उसी उजड़े हुए घर की फरियाद लेकर यहाँ न आती। पाया अपनी भतीजी को देखने के लिए तड़प रहा है, अजीजा अजीजा कहते हुए बुखार में बेहोश हो गए। कौन? अरशद मियां? इस कदर हालत खराब हो गई उनकी? जी हाँ, शायद तलत आपा और नसीमा बाजी इसी ख्याल में होंगी कि अमजद भाईजान किसी बेशरम के साथ आराम की जिंदगी बसर कर रहे होंगे। उनकी हालत भी सुन लीजिए, जिस दिन से नसीमा आपा यहाँ आई है, ना खाना ना पीना, सारी सारी रात उन्हीं की याद में परेशानी से चक्कर काटते रहना। नतीजा ये हुआ कि वो भी आज बुखार में सुलग उठे। अमीरा, दवा खाने आने जाने से माजूर हो गए, मरीज सब जाते रहे, दवा खाना खत्म, ना भाई का इलाज कर सकते हैं और ना खुद का। बस करो अमीरा, बस करो, ऐसी दर्दनाक कहानी ना सुनाओ, आंसुओं के साथ खून बह निकलेगा मेरा। अजीजा बाजी, मैं अजीजा को लेने आई हूँ। ये उनकी अमानत है, अगर वो मांगते हैं तो ले जाओ। बाप ने तो कहा है अगर उसकी माँ अजीजा के बगैर रह सके तो लाना, मगर पाया के आंसू नहीं थमते। हमीदा, मुझे माफ कर दो, ये क्या कह रही हूँ बाजी, मैं तो खादिमा हूँ आपकी। अगर तुम्हारा दिल मुझसे साफ है तो मुझे एक बार उनसे मिला दो, मैं उनके कदमों में सर डाल दूंगी, अपने गुनाहों को माफ कराऊंगी। अगर आपको किसी ने उनके पास देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। होने दो हमीदा, अगर भाईजान खुद राजी ना हुए तो? पहले उनसे कुछ ना कहो, मुझे उन तक पहुंचा दो। अच्छा, आप रात को 12 बजे आ जाइए। जरूर आऊंगी, तुम अजीजा को लेती जाओ। वो रहता है अब्बा। अजीजा मेरी बच्ची, यहाँ जाओ अपने ताया अब्बा के पास।
लो भाई अजीजा, अब रात हो गई, 12 बज रहे हैं, सो जाओ। सो जा मेरे चांद, सो जा मेरे चांद, सो जाओ मेरे चांद रे, सो जा मेरे चांद, सो जा मेरे चांद। आँख के तारे दिल के सहारे सोए पड़े हैं चांद सितारे, सो जा मेरे चांद, मेरे चांद, सो जाओ मेरे चांद रे, सो जा मेरे चांद, सो जा मेरे चांद। सीमा को जायज तौर पर अपनाने का हक दिला दे तो मैं अपना सब कुछ उसके हवाले करने को तैयार हूं, सब कुछ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तुम यहां? हाँ, मैं गुनाहगार। यहां क्यों आई? पता नहीं क्यों चली आई, आपकी तबीयत खराब है ये सुनकर मुझसे रहा ना गया, मैं बेताब हो गई। आखिर कभी तो जिंदगी में आपसे वास्ता रहा है। वास्ता भी किस कदर अजीब और कितने दर्दनाक तौर पर टूट चुका है, जिसे ना कोई मौलवी न काजी और न कोई कानून बिला शर्त के जोड़ सकता है। खुदा ये वक्त किसी दुश्मन को भी ना दिखाए, काश मुझे इस लुटन बदनामी का पहले एहसास होता तो खुदा की कसम। अब यहाँ घर पर आपके लिए ढूंढ मच रही है और आप यहाँ रात के वक्त एक नामहरम के पास, अपने बाप की इज्जत का तो ख्याल किया होता। तलब शोर मचाने की कोशिश करो। जी क्यों ना मचाऊं शोर? दुल्हन यहाँ इस वक्त? जी। क्यों आई हो यहाँ? मैंने बुलाया था भाईजान, मुझे ख्याल हुआ कि जब मैं इनके कहने से हमीदा को नहीं छोड़ सका तो ये अपनी बच्ची को कैसे भुला सकेंगे, इसीलिए बुलाया था। तू लाख बुलाता, मगर दुल्हन को यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए था, बड़ी बदनामी की बात है। ले जाओ जीजा को, वरना तुम पर जुल्म होगा। रखिए अपनी औलाद को, नहीं तो इसी तरह रातों को बुला बुला के मेरी बहन को और बदनाम किया जाएगा। चलिए बाजी। अजीजा
रहमत से सर, अजीजा को ले लीजिए। खुदा आपको सब्र दे देगा। काम क्या करूं? काम कैसा है कि आप इस पैर से आकर निकाल दीजिए, हम खुद ही चले जाते हैं। पहले सामान बांध लो अपना। क्या दहशत है आखिर, क्यों तुम सब मिलकर मेरी जान लेना चाहते हो? या खुदा अब तो मुझे मौत दे दे। आपकी आई मुझे आ जाए, मुझे माफ कर दीजिए अब्बा जान, बेशक मैं इस घर में रहने के लायक नहीं। अम्मी जान आप यहाँ रहिए, मैं चली जाती हूँ। कहाँ जाओगी तुम? जहाँ किस्मत ले जाए। आप भूल जाइए कि कभी नसीमा पैदा भी हुई थी, मैं जैसे उनके लिए मर चुकी इसी तरह आपके लिए। खुदा आपको सलामत रखे। खुदा हाफिज़। नहीं नहीं मेरी बच्ची नहीं। खुदा के लिए अब्बा जान मुझे भूल जाइए। नसीमा 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 मेरी बच्ची नसीमा। आप साहब बेहोश हो गए? अच्छा मैं आ रहा हूं। दूल्हा भाई अब्बा जान बेहोश हो गए, जल्दी चलिए। मैं कहती हूँ अब्बा जान बेहोश हो गए, जल्दी चलिए। हेलो नर्स, एम्बुलेंस का इंतजाम करके नवाब साहब को ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाओ, मैं आ रहा हूं। मुजफ्फर अली खान चल बसे। हाय अल्लाह, कैसे? अमजद ऑपरेशन कर रहा था, कामयाब ना हो सका। खुदा खैर करे, बेगम और तलत कोई ऐब ना लगा दे मेरे बच्चे पर। अफवाह तो यही है कि गलती अमजद की है, तलत और बेगम मरहूम की मौत का इल्जाम अमजद ही पर लगा रही है। जानना रहम कर, मेरे अमजद को हर आफत से महफूज रख। लीला रोजी बहाना मौत, ऑपरेशन का तो एक बहाना हो। वैसे वक्त आ चुका था उनका, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे। ना रो बेटी नसीमा, सब्र करो। जिस दिन से इस मलहूस ने घर में कदम रखा है हालत बिगड़ती ही चली गई, आखिर में जान लेकर छोड़ी। कोई किसी की जान नहीं लेता बेगम। ये तो खुली बात है, डॉक्टर अमजद ने बदला निकाला है हमसे, जानबूझकर मार डाला है उन्हें। तौबा कीजिए अम्मी, वो भला क्यों ऐसा करने लगे? देखा कैसी
आग लगी है उसके नाम पर। चुड़ैल अभी तक उसका दम भर रही है जिसने बाप की जान ले डाली। जरा सिविल सर्जन की रिपोर्ट आ जाए फिर देखना कैसा मजा चिखाती हूँ समझत के बच्चे। उन्हें आफत में फंसाने से कि अब्बा मरहूम वापस आ जाएंगे अम्मी। तू आ जाना हमारी बनकर जमीन कहेगी यहाँ से। इतनी सख्ती न कीजिए बेगम, ये कहाँ जाए बिचारी। क्या जहन्नम में मेरी बला से मैं अपने दुश्मन को आगे घर में नहीं रहने दूंगी। चल लेकर रहम कीजिए अम्मी जी। या अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ अब। भैया जी मुसीबत में फंस गए। न नाना अब्बा का घर मिलता है, न ताया अब्बा का और न ही हमारा। आजीजा अलग गुम हो गई, अब क्या करें। अम्मी कहाँ है, तुम कहाँ चली गई थी। कहाँ लिए जा रहे थे इसे। तुम्हारे ही पास ले जा रहा था बेटी, और कहाँ ले जाता। खुदा का शुक्र है मैंने देख लिया, वरना खुदा जाने कहाँ ठोकरे खाती फिरती मेरी बच्ची। चलो बेटी मेरी गलतियों की सजा तुम भी मेरे साथ भुगतो। इस तरफ कहाँ जा रही हो बेटी, कहीं मकान तो नहीं भूल गई अपना। मैं तो किसी को नहीं भूली, मुझे ही सब भूल गए। बस कहाँ जा रही हो। जहाँ किस्मत ले जाए कोई ठिकाना हो तो बताऊँ। है तो सही बेटी, मेरा मकान है, भूला हुआ जरूर हूँ मगर ढूंढने से मालूम हो जाएगा। चलो मेरे साथ। नहीं चाचा जान, तुम बस किस्मत को पनाह दोगे तो खुद भी बेठिकाना हो जाओगे। बेठिकाना तुम मुद्दत से फिर रहा हूँ। आओ तो सही, खुदा ने चाहा तो मकान मिल जाएगा। आओ मेरे साथ। चलो मेरी बेटी। रोशन अली के साथ अजीजा को खेलते देखा था, पता नहीं कहाँ लेकर चला गया। सब जगह ढूंढ लिया, ना अजीजा का पता है ना भाभी नसीमा का। बेगम ने उन्हें भी तो घर से निकाल दिया है। अगर अजीजा न मिली तो अशद की मौत सुन लीजिए। मट्टी पड़े उस मुए रुखसत पर, न जाने कहाँ गारत हो गया है। नसीमा तो गई ही थी, अब अजीजा भी गई, न जाने किस तरह की खाक छान रहे होंगे। रहमत चाचा उन्हें कहीं से ढूंढ कर लाइए। बेहतर। अरे यहाँ तो ताला खुला हुआ मालूम होता है, ये दूसरों का कब्जा इतनी जल्दी हो गया। जरा ठहरिए। कहीं कोई पागलपन न कर बैठिए आप। पागलपन के क्या माने, सिर्फ आदमी बदले हुए दिखाई दे रहे हैं, मकान तो मेरा ही है। मैं आ रहा हूँ। सलाम। आप मुझे जानते हैं। जानते तो आप भी हैं मुझे, मगर याद ही कब होगा। मैं आपको जरूर जानता हूँ, रुखसत अली है ना आप। अरे जाओ मियाँ अपना काम करो। रुखसत अली नहीं तो और कौन है आप। ओ हाँ भाई, मकान कहाँ है मेरा, आइए मैं बताऊँ आपको। आइए लो बेटी, ये है हमारा शीश महल। ये मकान आप ही का है ना। पता नहीं, वो आदमी मेरा यार कह रहा था। ये हुक्का, हाँ मेरा ही है। अब तुम यहाँ आराम करो।
आदर डाल ले बेटी, रोने के लिए रोज आंसू बहा चलाइए। ना रो बेटी ना रो, मैं लाता हूँ मिठाई तेरे लिए। खुदा के लिए हमें भूल ना जाइए, वरना और मुसीबत हो जाएगी। नहीं बेटी, ऐसी बातें भला भूली जाती हैं। मैं निशान लगाता हुआ जाऊंगा और निशान देखता हुआ चलाऊंगा। अरे लाहौर वाला खबर आए जरूर थे किसी काम, कहां से आए थे और क्यों आए थे ये भूल गए। अरे रुखसत अली कहां थे, अजीजा कहां है? हमें क्या पता होगी, अपनी अम्मी के पास। और मेरे साथ जरा गोश माली हो जाए आपकी, अजीजा को ना जाने कहां छोड़ आए। बताओ अजीजा कहां है? पहुंचा दिया उसकी अम्मी के पास। मगर उनकी अम्मी तो घर में है ही नहीं। घर पे नहीं तो हम क्या करें? खुदा के लिए बताओ रुखसत अली, अगर अजीजा ने मिली तो मैं तड़प तड़प कर ना जाऊंगा। याद करो, सोचो तुम कहां और किसको दिया है। तेज उर आया हूं कहीं, मगर याद नहीं आ रहा कहां दे आया हूं। याद नहीं पड़ता, याद नहीं पड़ता। सबने मिलके ने घबरा दिया है। आप बैठिए। अजीब पागल आदमी है, बच्ची को इसके हवाले किया ही क्यों था? बच्ची को तो हमने पहुंचा दिया। और भूल गए सर तुम्हारा। रुखसत अली, खुदा के लिए याद कीजिए, अजीजा को कहां छोड़ा है? कहां छोड़ा है उसे? तो वैसे ही गरीब भूल का मरीज, और अब तो मेरी बदकिस्मती ने और भी उसके कदम पकड़ लिए होंगे। नसीमा, इस कदर खुशगवार जिंदगी थी वो, और अब जहां तक नजर काम करती है वीरानी, तबाही और बर्बादी। आगे आज का ताजा अखबार, डॉक्टर अमजद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नवाब मुजफ्फर अली खान की मौत डॉक्टर अमजद की गलती से हुई। सिविल सर्जन की रिपोर्ट, आ गया ताजा अखबार, डॉक्टर अमजद ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। डॉक्टर अमजद को स्टेशन पर कर दिया गया। या अल्लाह, तू रहम कर, उन्हें हिरासत से बचा ले। नवाब मुजफ्फर अली खान की साहबजादी तलत बेगम और उनकी बेवा का दर्द आलिया में बयान। डॉक्टर अमजद ने खान की झगड़ों की वजह से नवाब महरूम का ऑपरेशन गलत किया। डॉक्टर अमजद ने जाति दुश्मनी से इनकार कर दिया, मगर ऑपरेशन की गलती तस्लीम कर ली। अदालत आलिया अपना फैसला कल सुनाएगी। आगे आगे आज का ताजा अखबार। उनका कोई कसूर नहीं, उन्हें इस बलाई नागहानी से बचा ले, उन्हें साफ परी कर दे। तू रहीम है, तू करीम है, करम कर। डॉक्टर अमजद को फांसी की सजा। आ गया आज का ताजा खबर।
चाहे तो क्या होता नहीं, जादियों की यही निशानी है। शाबाश बेटी, तुम मुझे रात भर नींद नहीं आई। आप सलामत है अब्बा जान। खुदा का शुक्र है, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, वरना मैं जिंदा न रहता। अब कुछ दिन और निकाल लूंगा। खुदा आपको सलामत रखे अब्बा जान। रात भर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगती रही हूँ। तूने कबूल की परवरदिगार, तेरा शुक्र है। बड़ी तबाही से बच गया ये घर, अब मैं खुशी से जा सकती हूँ यहाँ से। अच्छी हमीदा, मुझे माफ कर दो। ये क्या कह रही हैं बाजी, मैं तो आपकी खादिमा हूँ, मेरे हराम को पता हो गया। सुना है बाजी, कल से सारा घर आपको दलील कर रहा है। खुदा ना खास्ता आप लावारिस तो नहीं, नवाब साहब की बेटी है। अगर चाहें तो सारा घर खरीद कर छोड़ दें। ये पटाखा किसने चला दिया? चुप रहो जी, तमाचा है तमाचा। वाह बाजी वाह, माँ बदौल कीजिए इज्जत। हाँ मेरी छोटी बहन हो ना। हाँ जी, तभी तो खामोश रही वरना। शाबाश, आओ खुदा तुम्हें समझे। आओ सब मिलकर चाय पिए, खुदा ने इस घर को आफत से बचा लिया है। तशरीफ लाइए। अम्मा यार, हमें भी तो कुछ बताओ, आखिर ये मामला क्या है? अजब आदमी हो, रात भर तो सुनते रहे हो और आप पूछते हो कि मामला क्या। अच्छा ये लो अमजद मियां। शुक्रिया भाई, तुम तो अब ये शायद जाया।